दोस्तों आज इस वीडियो में एक फिशिंग इलेक्ट्रॉनिक मशीन का अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ जो कि मेड इन इंडिया है। इसका अलग अलग कंपनी है, चाइना या तो जर्मनी है, बट ये इंडिया का है जिसको मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। अगर आप लोग इंडिया के अंदर कैसे मंगवाना चाहते हैं वो इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल्स में बताने वाला हूँ। चलिए, सो मेरे पास जो आया है इंडिया का है, मेड इन इंडिया, जो कि सुशान का है, जो कि आप सभी को पता होगा ये इंडियन का है। तो यहाँ पे फिश का पिक्चर दिया है, मछली का, और मेरे पास जो आया है कौन सा मॉडल है वो मैं दिखाऊंगा, इसका प्राइस क्या है, किस तरह से मैंने मंगवाया है, ठीक है। तो बॉक्स कुछ इस टाइप का है, नॉर्मल सा पैकेज है, कुछ कांस नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसको मैं फटाफट से ओपन करता हूँ। वीडियो का अगर पसंद आ रहा है लाइक कर देना। चलिए, ये है वो मशीन, फिशिंग इलेक्ट्रॉनिक या इन्वर्टर अल्ट्रासोनिक है। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। इसको मैंने ओपन करके देख रहा हूँ, यहाँ अंदर बॉक्स के अंदर सिर्फ यही मिला है जो कि ये एक स्विच है, ये स्विच ऑफ ऑन करने का, और यहाँ पे कुछ सर्किट दिया है जो कि इन फ्यूचर अगर आपको एक्सचेंज करना हो तो ये एक दिया है, बॉक्स में पड़ा है, तो उसको साइड में रखते हैं ये ऑफ ऑन करने का। सबसे पहले हम मशीन को दिखाते हैं, मशीन कैसा है। तो ये आप सभी को पता है बैटरी में लगाना है प्लस माइनस, जो कि 12 वोल्ट का आपको यूज़ करना है। और ये है वो मशीन जो कि सुशान 835 मैंने लिया है, ये मीडियम है, इसका हाई भी है लो भी है प्राइस के हिसाब से। और यहाँ पे देख सकते हैं ये एक सिंगल फैन है, डबल फैन भी रहते हैं, और ये जो सब पूरा जो बॉडी है ये प्लास्टिक का है। तो यहाँ पे एक फिश मछली का पिक्चर दिया है, इंडिया का है, सुशान 835 है जो मैंने मंगवाया है। इसका तीन मॉडल रहते हैं, सबसे लोएस्ट जो मॉडल है 735, प्राइस भी कम है, ये है 835, और एक है सुशान 1030 है, उसका प्राइस ज़्यादा है। तो ये मीडियम है, प्राइस भी मीडियम, देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्विच है किस तरह से लगाना है, यहाँ पे आपको इंक्लूड करना है, उसके बाद आपको प्रेस कर देना है। मैं दिखाता हूँ, इसको वहाँ पे इंटर करना है जो मैंने दिखाया अभी, उसके बाद इसको प्रेस करना है, बस करंट सर्किट देने लगेंगे, शॉक देने लगेंगे, इस तरह से है वर्क करते हैं। तो ये है, यहाँ पे देख सकते हैं वायर, ये फ्यूज है, और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, यहाँ पे अलग अलग फ्रिक्वेंसी देने का है, ये आउटपुट है जहाँ पे वायर लगाना है पानी के अंदर जो जाएगा। और यहाँ पे हाई वोल्टेज लो वोल्टेज है, पानी अगर बड़ा है तो हाई वोल्टेज देना है, और पानी छोटा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे लो वोल्टेज देना है, ठीक है। और इस तरह से यहाँ पे फ्रिक्वेंसी है ऑफ ऑन, जो कि वोल्टेज फ्रिक्वेंसी जिसको बोलते हैं वो बढ़ा सकते हैं 1 से लेकर 10 तक है। और यहाँ पे स्टार्ट है, ऑफ ऑन करने का स्विच, और ये जो पूरा बॉडी है वो प्लास्टिक का है। अगर आप 1030 लेंगे तो वो स्टील का मिलता है, ये प्लास्टिक का है, और प्राइस भी मीडियम है। ये हम लोगों को प्राइस जो लिया है वो 9,500 लिया है, अलग अलग प्राइस से अप डाउन होते रहते हैं। ये हम आप लोग अमेजोन के द्वारा भी ले सकते हैं, या तो अगर जान पहचान है वहाँ से भी ले सकते हैं, रिटेलर जो बेचते हैं उससे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जो बेचते हैं। तो हम लोग ऑनलाइन के द्वारा मंगवाया है।